हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम त्रिभुज चैप्टर का जो पहला प्रमेय है, प्रमेय 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसको हम प्रूफ किए थे, उसको सत्यापित किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है और उसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को सिखाने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई रेखा, कोई भी लाइन है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझिए, यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, तो पहले आइए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हो। अब यहाँ पे एक रेखा खींचना आपको, और ऐसी रेखा जो ये दो जो भुजा है ना, ए बी और ए सी, ये दोनों को समान भाग में, समान अनुपात में विभाजित करें। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक रेखा खींच दिए और इस रेखा का नाम रख दिए डी ई, ठीक है। और ये डी ई ऐसी रेखा है जो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो ये रेखा मान लीजिए है जो इसके दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये जो रेखा है डी ई, यह तीसरी भुजा के समांतर है। यही चीज आपको साबित करना, सिद्ध करके दिखाना है कि जो डी ई है इन दोनों को समान अनुपात में बांट रही है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सबसे पहले कोई भी प्रमेय या कोई क्वेश्चन अगर साबित करने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि क्या दिया गया है प्रमेय में और क्या सिद्ध करना है। तो दिया गया है क्या, ट्रायंगल ए बी सी में ये जो डी ई है ना, डी ई इस क्या कर रहा है, ये जो डी ई लाइन है ये दोनों को समान अनुपात में बांट रहा है, यानी ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ई सी, ये दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा डी बी इज इक्वल टू ए बट्टा ई सी है, ठीक है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में ये ए डी और डी बी का अनुपात और ए और ई सी का अनुपात दोनों इक्वल है, क्योंकि ये रेखा इसको दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो लाइन खींचे, ये जो रेखा खींचे, ये इस भुजा के समांतर है। यानी सिद्ध करना है कि डी ई जो है ये बी सी के समांतर है, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसी चीज आया तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है। हालांकि थेल्स प्रमेय में हम आपको बता दिए थे कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई हो, तो उसके शेष भुजाएं समान अनुपात में बंट जाती है। तो जब भाई समांतर होता है ये, तो समान अनुपात में बांटता है, तो जब ये रेखा समान अनुपात में बांट रहा है तो डेफिनेटली इसके समांतर होगा ही। थेल्स प्रमेय के हिसाब से अगर सोचे तो उसका विलोम ऐसे ही सत्यापित दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, साबित कीजिए कि ये जो डी ई है ये बी सी के समांतर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि, चलिए आप कह रहे हैं ना कि साबित करके दिखाओ भाई कि डी ई बी सी के समांतर है। चलिए मान लिए कि ये जो डी ई है बी सी के समांतर नहीं है, माना कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है। चलिए ठीक है भाई, हम मान लिए कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है। तो जब ये बी सी के समांतर नहीं है, तो बी सी के समांतर कोई ना कोई रेखा होगा ना, एक दूसरा लाइन डी एफ जो है ये हम खींच लेते हैं बी सी के समांतर। तो ये रचना की है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे हम, ठीक है। मान लीजिए कि एक लाइन हो गया जिसका नाम है डी एफ, तो डी एफ जो है हम बी सी के समांतर खींच लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण में, यानी अब इसका प्रूफ देना हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि यह हम लिख देते हैं कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा
प्रमेय में दिया गया है, यानी क्वेश्चन में ही ऐसा दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC है, यानी ये चीज दिया है ऑलरेडी, तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पुनः आगे चलिए और देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, DF जो है ये BC के समांतर खींचे हैं, यानी लिखेंगे DF समांतर BC। कहाँ से भाई, रचना से। देखिए हम रचना क्या किए हैं, यहाँ रचना में आपको दिख रहा है ना कि DF समांतर BC खींचा, तो इसलिए DF समांतर BC है ये हमको रचना से मालूम चल रहा है। ठीक है, यानी हम अपने से ये बनावट किए हैं चित्र में। तो चूंकि DF BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी भुजा के समांतर खींची जाए तो वह जो रेखा होती है वो त्रिभुज के शेष भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये खींचे हैं ना समांतर हम, तो इसका मतलब कि ए डी अबटा डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ अबटा एफ सी, ये ना समान अनुपात में ये वाला भुजा इसको बांटेगा, ये वाला रेखा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ये चीज भी हम अपने से नहीं कह रहे, ये थेल्स प्रमेय ही हमें बताता है, थेल्स प्रमेय ही हमको बोला है कि भाई अगर कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची गई हो तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटती है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और आगे चल के, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों में थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आपको ये चीज़ देखेगा कि फर्स्ट में भी LHS में AD बटा DB है, सेकंड के LHS में भी AD बटा DB है। तो जब LHS LHS बराबर है तो RHS RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट का RHS है AE बटा EC और सेकंड का RHS है कितना, AF बटा FC, AF बटा FC। ठीक है, तो दोनों का LHS बराबर था इसलिए RHS भी हम बराबर कर दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ लेना है। तो AE बटा EC इधर भी एक जोड़ लीजिए और AF बटा FC इधर भी एक जोड़ लीजिए। तो अब होगा क्या, इसका लघुतम हो जाएगा EC से EC कट जाएगा तो क्या बचेगा AE, आप प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो EC से एक में गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा EC। यहाँ पे लघुतम हो जाएगा FC, FC से FC कट गया तो AF, आप प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो FC से एक में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा FC। अब देखिए AE आप प्लस EC, क्वेश्चन में फिगर में देखिए थोड़ा कि ये कहाँ है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा AE आप प्लस EC। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है AE और यहाँ से लेकर यहाँ तक है EC। तो जब AE और EC दोनों को जब जोड़ेंगे AE को और EC को तो क्या आएगा AC आएगा, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे ना तो ये टोटल क्या बनेगा AC बनेगा। तो आप इसके जगह पर AC लिख सकते हैं, AE प्लस EC के जगह पर AC लिख सकते हैं अबटा EC। ठीक है, अब बराबर इधर देखेंगे तो AF AF प्लस FC इसको जोड़िए AF और फिर FC, तो A से लेकर F तक फिर F से लेकर C तक दोनों जोड़ेंगे तो ये भी क्या निकलेगा AC ही निकलेगा, अब बटा नीचे क्या है FC। तो आप यहाँ पे देख लिए कि भाई जब ऊपर ऊपर बराबर है AC बराबर AC है तो लिख दिए चूंकि AC बराबर AC, इसलिए चूंकि ऊपर ऊपर दोनों का बराबर है ना इस साइड और इस साइड वाला में AC और AC बराबर है इसलिए नीचे वाला भी दोनों बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा EC और FC भी लिख सकते हैं EC और ऐसे ही लिखिए EC और FC भी बराबर होगा। समझिए ध्यान से, लास्ट स्टेप पर हम लोग पहुंच रहे हैं, चूंकि ऊपर ऊपर ये दोनों का AC है तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब भाई ये दोनों भी बराबर होगा, तभी तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो पाएगा। जब ऊपर ऊपर बराबर हो गया तो ये नीचे नीचे वाला भी जब दोनों बराबर होगा तभी तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो पाएगा, इसका मतलब कि EC और FC भी बराबर होगा, जरूर बराबर होगा। लेकिन चित्र में देखने पर तो भाई हमारे इस बात का विरोधाभास मिलता है, चित्र में देखने पर लगता है कि भाई ये बात तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। देखिए आप फिगर में आइए और समझिए कि क्या संभव है जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, EC और FC बराबर होगा, EC का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और FC का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये कैसे पॉसिबल है दोनों बराबर होना, यानी ये ई सी और एफ सी ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है। ये तो एकदम दिख रहा है कि एफ सी जो है ये बड़ा है, ई सी जो है छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो आया कि ई सी और एफ सी दोनों बराबर होगा, जरूर होगा, लेकिन ये तो भाई फिगर में नहीं लग रहा है कि बराबर होगा। तो आप बताइए कि अब क्या कीजिएगा, अब सोचिए कि ये दोनों बराबर होगा जरूर, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है, तो हम लिखेंगे लेकिन, यहाँ समझिए, लेकिन यह तभी संभव है, मतलब ये दोनों का बराबर होना तभी संभव है जब बिंदु ई और एफ, बिंदु ई और एफ एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। जैसे मेरे कहने का मतलब कि अगर ई और एफ ये दोनों एक ही को बिंदु पे रहता ना, ये दोनों एक ही बिंदु रहता ई और एफ, तबे जाकर जैसे ये एफ है, अगर एफ भी इसी बिंदु पर होता ई पर ही, तब ई सी कहिए तब अच्छा है, एफ सी कहिए तब दोनों बराबर होता, दूसरा कोई उपाय ही नहीं इसको बराबर करने का। इसका मतलब ई और एफ दोनों एक के बिंदु पर होगा, तो जब दोनों एक ही बिंदु पर होगा तो हम लिख सकते हैं अतः अतः एफ भी किस बिंदु पर आ गया, डी ई पर आ गया। तो जब एफ भी डी ई पर आ गया तो डी ई किसके समांतर खींचे थे, रचना में देखिए डी एफ जो है बी सी के समांतर खींचे थे, तो डी एफ बी सी के समांतर खींचे थे और एफ भी इसी बिंदु पर है, डी ई पर ही है। इसका मतलब डी ई भी किसके समांतर हो जाएगा, डी ई भी बी सी के समांतर हो जाएगा। और यही साबित करना था थेल्स प्रमेय के विलोम में, सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है। तो ये डी ई समांतर बी सी हम लोग साबित कर लिए, यही थेल्स प्रमेय का विलोम कह रहा था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो समांतर हम लोग साबित कर लिए। इस प्रकार थेल्स प्रमेय का विलोम क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो एनसीईआरटी का है, और उसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सिस्टमैटिक बनाएंगे।